हेलो फ्रेंड्स, सिंपल फॉर्मूला टू क्रैक यूपीएससी इज द डिग्रीज ऑफ द जीरा एन एक्सेल सर्वेंट। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू अन अकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। वेलकम टू अन अकेडमी, इंडियाज ऑनलाइन लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड द क्रैश कोर्स राइज 2.0, द क्रैश कोर्स ऑफ The 80 days crash course for civil services prelims examination RISE 2.0. Welcome to the class. This is the class of ecology and environment. Good evening, Stone Cold. Good evening, Pooja. CG Sai, hi. Hello, Saurabh, Himanshu. Good evening, Pooja. Hello. Good evening, Gulab. देव, गुड इवनिंग। हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है सभी का आप लोगों का स्वागत है सभी का इस क्लास में। वेलकम टू द क्लास ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन न्यू स्टूडेंट्स के लिए, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं। वेलकम प्रतीक्षा, वेलकम टू द क्लास। जो कुछ नए स्टूडेंट्स हैं जो इस क्लास में आए हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम अमित मोदी है। हाय फातिमा, ठीक है। मैं हैव डन केमिकल इंजीनियरिंग, दो बार सिविल सर्विस का इंटरव्यू दिया, 2008 से मैं पढ़ा रहा हूँ। आई हैव इन टोटल 12 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। ये मेरा टेलीग्राम पर डिस्कशन ग्रुप लिंक है एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द नोट्स एंड ऑल द अदर थिंग्स। वेल, आज का जो अपना लेसन है, रिचुअल है, दैट इज द सेवेंथ रिचुअल विच वी आर गोइंग टू डील अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। आज इस पूरे वीक में, यानी कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तीन क्लासेस होंगे। तीनों में हम सिर्फ और सिर्फ बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानेंगे, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी सबसे पहले एज अ होल, एज अ जनरल टर्म। Then we will deal about the biodiversity conservation, about the international conservation of union, and then the biodiversity in India and what are the measures being taken by the Indian government. ठीक है, ये चीज। Good evening, Chinky, fine, I am fine, Pratiksha, ठीक है। Now friends, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा और मैं आपको एक introduction देता हूँ एक new YouTube channel का, that is for the current affairs only. Let's crack UPSC CSE current affairs. ये जो channel है, This is an exclusive channel for current affairs. अभी इस पर कुछ videos डाले गए हैं, ठीक है। आप इस channel को subscribe कर सकते हो और उन videos को आप देख सकते हो, ठीक है। Now this channel is meant for the current affairs, static और dynamic. दोनों portion को एक साथ relate करके हमने इस channel के ऊपर ये पूरा subject matter डाला है, ठीक है। Yes, I am okay. Yes, I have some cold. Yes, थोड़ा सा cold है मेरे को, ठीक है, because I just got cold yesterday. ठीक है, ये चीज। Next, तो यहाँ पर we are going to study with the top educators, the quality content and the great learning experience we are going to have in this the new channel, all new brand new channel for the current affairs. ठीक है, यहाँ पर हमको मिलेगा। So dear students, please do subscribe this channel for the latest content over the current affairs and pre for pre plus mains, दोनों की ही तैयारी हमारी इस चैनल के ऊपर हो जाएगी करंट अफेयर्स की। वेल, अनअकैडमी पर हमको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस फॉर ऑल द ऑनलाइन वीडियोस। इन सब के लिए हमको अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है उसे हमें जो है अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। आप ये लर्निंग ऐप इंस्टॉल करते हो तो वहां पर आप डेली लाइव क्लासेस देख सकते हो। डेली
यूट्यूब पर तो खैर हम लोग मिलते ही हैं 9 o'clock एंड 10 o'clock, ठीक है, और डेली 7 PM पर हमारी क्लास अनअकैडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर चलती है, और यहाँ पर हम जो सब्जेक्ट डील कर रहे हैं दैट इज द ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वेल इंडियन ज्योग्राफी डील कर रहे हैं, ठीक है। 12th जुलाई एट 7 PM, ठीक है, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी, सॉरी मॉक टेस्ट, ठीक है, ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो इसे, ठीक है। ये हेलो आद्या एंड इसराइल, गुड इवनिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इसराइल, ठीक है, प्रतीक्षा, ओके, नगीना, ओके, देन यहाँ पर हमको टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं लाइक सुदर्शन गुर्जर, मृणाल पटेल, प्रकाश कुमार, रोमन सैनी, आशीष मलिक, ये सब टॉप एजुकेटर्स आपको इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं, एंड टू गेट द ब्यूटिफुल कोर्सेज फ्रॉम दीज एजुकेटर्स, दीज वेल एक्सपीरियंस एजुकेटर्स, आपको सब्सक्राइब करना होगा यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। नाउ आप लोग जैसे 2020 का एग्जाम अभी देने जा रहे हो, तो मैं प्रेफर करूंगा आप 12 मंथ्स के लिए सब्सक्राइब करो, 44,000 इज द फीस फॉर द 12 मंथ्स कोर्स, इसमें हमारी पूरी 2021 तक प्रिपरेशन होगी, मेंस और इंटरव्यू दोनों का मिला करके। आप ये कोड अप्लाई करोगे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 39,600 ये आपको टोटल पेबल फीस रहेगी, लेकिन अगर आप 2021 या फिर 2022 प्लान कर रहे हो देन आई प्रिफर टू यू गो विद द 24 मंथ्स कोर्स, क्योंकि यहाँ पर आपका टू टाइम्स पूरा सिलेबस टू टाइम्स कवर होगा, और फीस जो है वो सिर्फ 64,000 है, ठीक है, फीस 64,000 है, और आप ये कोड अप्लाई करोगे यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट, ये आपका टोटल पेबल फीस होगा, ठीक है। नाउ इस फीस में हमको सारी चीजें मिलेंगी, पूरा प्रीलिम्स, पूरा मेंस, पूरा इंटरव्यू, पूरा स्टडी मटेरियल, सारे टाइप के टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग वी विल गेट इन दिस कोर्स, ठीक है बेटा, ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म वी आर गोइंग टू डील, ठीक है हिमांशु, अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर अपन डील करेंगे, जो मैंने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस और इन सब के बारे में बताया था, ठीक है ये चीज। वेल हम आज का क्लास शुरू करते हैं, आज का जो अपना क्लास है, आज का जो अपना सेशन है दैट इज अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। इसका जो टर्म का मतलब है, सबसे पहले टर्म का मतलब समझो, इस टर्म का मतलब है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी से हम लोग मानते हैं कि भैया जो बायो है, ये जो बायो वर्ड है, यहां से बायो का मतलब होता है लाइफ, लाइफ फॉर्म का डाइवर्सिटी, ठीक है, लाइफ फॉर्म का डाइवर्सिटी। यस आई एम आल्सो फाइन अभय, ठीक है, वेरी वेरी गुड इवनिंग, ठीक है, गुड इवनिंग मेघना, प्रणाम श्याम जी, ठीक है, एमडी मुख्तार जी, ओके, गुड इवनिंग। वेल लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, द डाइवर्सिटी इन अ लाइफ फॉर्म वेयर ओवर द अर्थ सरफेस, ओवर द अर्थ सरफेस, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ये तो हुआ एक जनरल सा डेफिनेशन, भैया ये जो टर्म था बायोडाइवर्सिटी, दिस वॉज गिवन बाय फर्स्ट टाइम मिस्टर रेनॉल्ड एफ डैसमैन, 1968 में ये टर्म पहली बार इन्होंने जो है प्रपाउंड किया, कॉइंड किया, एंड पॉपुलराइज्ड बाय मिस्टर एडवर्ड विल्सन, मिस्टर एडवर्ड विल्सन ने इसको पॉपुलराइज किया। नाउ भैया मैंने आपको ये बताया सिंपल सा डेफिनेशन बायोडाइवर्सिटी का, दैट इज द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ओवर द अर्थ सर्फेस, ठीक है, अर्थ सर्फेस के ऊपर जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पीशीज हैं उनमें जो भी डाइवर्सिटीज हमको देखने को मिल रही है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, उस टर्म को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अगर हम स्पेसिफिक डेफिनेशन में जाए, इट रिफर्स टू द वेराइटी एंड अबंडेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है भैया सेम चीज हो गई है ना, वो सिंपल भाषा में ये हमारी वेराइटी ऑफ अबंडेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हमारी थोड़ी सी टेक्निकल भाषा हो गई, ठीक है ये चीज, लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन एंड द वेरिएबिलिटी विद इन द स्पीशीज। आज के सेशन में हम लोग लास्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी डील करेंगे, हम फटाफट से बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट करते हैं, ठीक है बिल्कुल होता है बेटा, लेकिन आज का ये सेशन जो है बायोडाइवर्सिटी का दैट इज, ठीक है ये अपना जो सेशन है दैट इज फॉर द बेसिक्स पार्ट ओनली, और हम कुछ बेसिक्स के क्वेश्चंस डील करेंगे, एंड द रिमेनिंग जो हमारा पार्ट है, जो हमारा करंट अफेयर्स रिलेटेड है, वो सब्सिक्वेंट क्लासेस में आएगा, यानी कि कल और परसों, जिसमें हम इंडियन बायोडाइवर्सिटी, वेरियस जो नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ठीक है,
और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और वेरियस प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर भी है, जैसे IUCN में है, रेड डेटा बुक है, कौन कौन से एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, क्या अभी रिसेंट वन ईयर में हुआ है, वो सब चीजें हम हमारे इस सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में डील करेंगे। ठीक है, एक क्लास में सारी चीजें डील करना पॉसिबल नहीं होता बेटा। राइट फ्रॉम द बेसिक्स हम लोग पढ़ते हैं इसको एंड अप टू द एग्जामिनेशन लेवल टॉप तक हम लोग जाते हैं इस पर। ठीक है, ये चीज। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं, सिंपल डेफिनेशन। मान लो पेपर में डेफिनेशन ही आ गई, पूछ लिया हमसे, इट रिफर्स व्हाट द बायोडायवर्सिटी मींस, और लगभग मिलती जुलती डेफिनेशन आ जाती है, बिल्कुल आती है। ऐसा यूपीएससी कई बार करता है, इजी से इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन हम इसको गलती कर बैठते। तो प्लीज भैया यहां ध्यान दें, पर्टिकुलर रीजन, वैरायटी एंड अबंडेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर रीजन, वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी ऑफ व्हाट, विद इन द स्पीशीज, बिटवीन द स्पीशीज एंड बिटवीन द इकोसिस्टम। भैया ये ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरिएबिलिटी विद इन द स्पीशीज, बिटवीन द स्पीशीज एंड बिटवीन द इकोसिस्टम। जेनेटिक वेरिएशन भी होता है, ठीक है, जब यहाँ पर आई गया, इकोसिस्टम वेरिएशन भी होता है, स्पीसीज वेरिएशन भी होता है, विद इन द एरिया, बायोम और प्लैनेट, ये दोनों वर्ड, दोनों डेफिनेशन एक जैसी है। मैंने दोनों इसीलिए मेंशन करी है कि बाय द वे कोई भी पॉइंट अगर आ गया तो आप उसे इजिली टिक कर पाओ और अपना राइट आंसर ले पाओ। ठीक है, ये चीज। तो भैया क्या हुआ बायोडायवर्सिटी का मतलब, द लाइफ, द डायवर्सिटी ऑफ लाइफ ओवर द अर्थ सरफेस। किसने दिया ये वर्ड, मिस्टर रेनॉल्ड एफ्समैन ने, कब दिया, 1968 में, ज्यादा पुराना नहीं है, रीसेंट वर्ड है, एडवर्ड विल्सन ने इसे फेमस किया। नेक्स्ट भैया, बायोडायवर्सिटी हर लेवल पर होती है, तीन लेवल जनरली डिसाइड किए गए, डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहले जेनेटिक, जीन्स में डायवर्सिटी, ठीक है, स्पीशीज में डायवर्सिटी और इकोसिस्टम में डायवर्सिटी, ये तीन टाइप के डायवर्सिटीज होते हैं एट द थ्री डिफरेंट लेवल्स। जीन्स यानी कि विद इन द स्पीशीज, कहां पर हो गया, दिस इज विद इन द स्पीशीज। भैया जीन्स क्या होते हैं, जीन्स से बड़ा बनता है सेल, ठीक है, ये होता है कि नहीं होता, ठीक है, जीन से बड़ा होता है सेल, तो यहाँ क्या होगा, दिस इज विद इन द स्पीशीज। ठीक है, एक कोई भी स्पीशी है उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर डाइवर्सिटी, यस इट कैन बी डन। नाउ टू स्पीशीज है, इन दोनों के बीच में डाइवर्सिटी, यस इट इज देयर। दो इकोसिस्टम है, इनके बीच में डाइवर्सिटी, यस। तो ये तीन ब्रॉड एस्पेक्ट में हम लोग डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को कंसिडर करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, पढ़ते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, वेरिएशंस इन जीन्स विद इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज, व्हाट इट इज, इट इज वेरिएशन। ठीक है, ठीक है प्रियंका, हम करते हैं इसको, शंकर आईएएस का जो बुक है, एक मैराथन सेशन लगाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और नुसरत परवीन, माइक शाम, माइक नहीं ईयरफोन है, यस इट इज ईयरफोन, इसमें माइक होता है भाई, ठीक है, यस इट इज। द बायोडायवर्सिटी इज अ रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम, यस बिल्कुल सही है इसराइल, एंड इट इज ऑल्सो द डायवर्सिटी द वेरिएशन। ठीक है, बायोडायवर्सिटी का जो सही डेफिनेशन है, इट इज नॉट दिस, लिविंग ऑर्गेनिज्म और इकोसिस्टम के बीच में रिलेशन तो होता है, लेकिन यहां पर हमारा होगा वेरिएशन, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी जो वर्ड है, इसका अपने आप में मतलब हो गया रिलेशन नहीं, वेरिएशन, वेरिएशन विद इन द इकोसिस्टम, वेरिएशन विद इन द स्पीशी, वेरिएशन बिटवीन द स्पीशीज। यहां पर जो वेरिएशन वर्ड है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके इसराइल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, रिलेशन तो है लेकिन वेरिएशन के साथ, ठीक है, वेरिएशन, ठीक है, ये करेक्ट डेफिनेशन बनता है बायोडायवर्सिटी का। ठीक है, हम यहां पर अगर वेरिएशन वर्ड को भूल जाएंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, नाउ जीन्स में वेरिएशन, यहां पर देखो हर जगह पर मैंने ये वर्ड मेंशन करवाया, वेरिएशन, वेरिएशन इन जीन्स विद इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज। ठीक है, नाउ ऐसा क्यों भैया, कोई भी चेंज हुआ, टेम्परेचर में चेंज हुआ, प्रेशर में चेंज हुआ, रेनफॉल में चेंज हुआ, कोई भी क्लाइमेटिक फिनोमेना या फिजिकल फिनोमेना चेंज हुआ, तो उसको वो डायवर्सिटी अडेप्ट करेगी, क्या करेगी, अडेप्ट करेगी टू द चेंजिंग एनवायरमेंट। ठीक है, दिस डायवर्सिटी एम्स फॉर द सर्वाइवल। कोई भी स्पीशी है भैया, हमने पढ़ा था ना, लिमिटिंग फैक्टर एक होता है, याद करो, लिमिटिंग फैक्टर अपन ने पढ़ा था इसको, ठीक है, वो चीज। अब इस लिमिटिंग फैक्टर को ओवरकम करना है, तो ओवरकम करने के लिए क्या होगा, जीन्स में डाइवर्सिटी होना शुरू हो जाएगी, जीन्स में वेरिएशन आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ताकि वो सर्वाइव कर पाए, ताकि क्या कर पाए, वो सर्वाइव कर पाए। इसीलिए इसको जेनेटिक बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। डायवर्सिटी एम्स टू टॉलरेट ड्रास्टिक चेंजेस, ठीक है, इट एम्स टू टॉलरेट ड्रास्टिक चेंजेस। नेक्स्ट, स्पीशीज डाइवर्सिटी मीन्स विद इन एंड बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज, क्या होगा ये, विद इन
एंड बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज, ये चीज ठीक है। जैसे वेस्टर्न घाट्स में नंबर ऑफ एम्फीबियंस है, ठीक है ना, यहाँ पर एम्फीबियंस की डाइवर्सिटी ज्यादा है देन द ईस्टर्न घाट्स, क्यों, एक जैसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमको स्पीशीज देखने को मिलते हैं, चाहे वो प्लांट्स के हों चाहे वो एनिमल्स के हों, ठीक है, इसमें हमको वेरिएशन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं द स्पीशीज डाइवर्सिटी। ना लिमिटिंग फैक्टर मींस कोई भी पर्टिकुलर पर्सन की ग्रोथ के लिए, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है या प्लांट है उसकी ग्रोथ के लिए कोई भी फैक्टर, चाहे वो सॉइल हो चाहे वो टेम्परेचर हो चाहे वो प्रेशर हो चाहे वो विंड हो रेनफॉल हो कुछ भी हो, ठीक है, दैट पर्टिकुलर फिजिकल फैक्टर इज कॉल्ड एज द लिमिटिंग फैक्टर। वो उस पर्टिकुलर स्पीशी की ग्रोथ को लिमिट कर देता है, रोक देता है, ठीक है, उसके बाद वो पर्टिकुलर स्पीशी जो है वो आगे नहीं बढ़ जाती, ठीक है, ये चीज। हाँ भाई इसराइल आप सही बोल रहे हो, इट इज जस्ट लाइक अ गीता, यस बिल्कुल सही है, वो बहुत अच्छे से ये बुक लिखी गई है, ठीक है, इतना वेल एक्सप्लेन्ड कोई भी किताब नहीं है शंकर आईएएस के अलावा, ठीक है, अगर हम देखें तो। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो ज्योग्राफी के अंदर बाया ज्योग्राफी करके एक चैप्टर होता है जिसमें हम सारी की सारी चीजें ये लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ये चीज, ठीक है, ये चीज, ठीक है, तो ये यहाँ पर ये लिमिटिंग फैक्टर हुआ, मैंने आपको बताया द लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है, ये चीज। तो स्पीशीज के बीच में जो डाइवर्सिटी है, डिफरेंसेस विद इन एंड बिटवीन द पॉपुलेशन, उसको हम लोग बोलते हैं द स्पीशी डाइवर्सिटी। नाउ जब डाइवर्सिटी स्पीशीज में होती है तो यहाँ पर दो चीजें आती हैं, दो कंपोनेंट इसके आते हैं, पहला होता है स्पीशी का रिचनेस, सिंपल उसका काउंट बढ़ गया, ठीक है, अबंडेंस हो गई इसकी, रिलेटिव अबंडेंस इज मेजर द रिलेटिव प्रोपोर्शन जो है डिफरेंट स्पीशीज अकरिंग कम्युनिटी, उसकी रिचनेस हो गई, ठीक है, ये चीज, उसकी इवननेस, स्पीशीज इवननेस, ठीक है, क्वांटिफाइज हाउ इक्वली द स्पीशीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एक रीजन में, एक ये रीजन है एक बी रीजन है, यहाँ पर किस तरीके से स्पीशीज जो है इक्वली जो है या प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यों, क्योंकि क्या होता है, व्हाट इज द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इज देयर हैबिटेट, व्हाट इज दिस इज द हैबिटेट एंड निच, हैबिटेट एंड निच, निच क्या है, किसका होगा, ये किसी भी एक स्पीशी का होगा, ठीक है, जब स्पीशी का ग्रोथ नंबर ऑफ नंबर स्पीशीज का नंबर्स बढ़ना शुरू होगा हम उसे पॉपुलेशन कहेंगे, ठीक है, और जब दो स्पीशी आ जाएंगी तो हम उसे कम्युनिटी कहेंगे, हमने पहली क्लास में जाना था इसको, फर्स्ट लेक्चर में ही हमने इसको जान लिया था, ठीक है, एंड टू स्पीशीज दे इंटरैक्ट विद ईच अदर, टू स्पीशीज दे इंटरैक्ट विद ईच अदर, ठीक है, ये चीज। तो यहां पर स्पीशीज का रिचनेस हो गया एंड स्पीशीज का इवननेस हो गया, ये दो इसके कंपोनेंट हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी के। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होगा भैया, वेरिएशन इन द इकोसिस्टम, सिंपल वेरिएशन इन व्हाट, वेरिएशन इन द इकोसिस्टम, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो चाहे वो एक्वेटिक हो, सब में हमको वेरिएशन देखने को मिलेगा। पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो इंडिया का जो इकोसिस्टम है दैट इज द वास्ट, दैट इज डाइवर्स्ड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए ग्रेटर डाइवर्सिटी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है, चाहे वो डेजर्ट्स हो, रेन फॉरेस्ट हो, मैनग्रोव्स हो, कोरल रीफ्स हो, वेटलैंड्स हो, एस्चुरीज हो, एल्पाइन मीडोज हो, सब हमको इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि हमको इवन एल्पाइन माउंटेन्स में भी देखने को नहीं मिलेंगे। दिस शोज कि भैया ये सब वास्ट ऑफ ईयर्स के एवोल्यूशन से ये रिच डाइवर्सिटी नेचर ने यहाँ पर इंडिया में एक्यूमुलेट करी है, ठीक है, ये चीज। नाउ स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए या कोई भी पर्टिकुलर रीजन में स्पीशीज का इवननेस या अनइवननेस डिफाइन करने के लिए कुछ टर्म्स हैं, जैसे फ्लैगशिप स्पीशीज हैं, कीटोन स्पीशीज हैं, ठीक है, अम्ब्रेला स्पीशीज हैं, इस तरीके से ये कुछ वर्ड्स डिफाइन किए गए हैं। यस इज़राइल लिमिटिंग फैक्टर आर लाइक द एबायोटिक फैक्टर्स, बिल्कुल ठीक है। और हिमांशु सर थैंक यू इज़राइल बट ओनली फॉर एनवायरमेंट और फॉर अदर्स, नहीं बेटा सिर्फ एनवायरमेंट के लिए, ठीक है। और प्रतीक्षा ओके हो गया, ठीक है, मीन शंकर आईएएस की बुक ओनली एनवायरमेंट पर्पज से अवेलेबल है कि अदर सब्जेक्ट्स की भी अवेलेबल है, बेटा एनवायरमेंट के लिए, इट इज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, शंकर आईएएस अकेडमी साउथ में है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, उसने ये बुक पब्लिश करी है फॉर द इकोलॉजी एनवायरमेंट, ठीक है। नाउ द फ्लैगशिप स्पीशीज, व्हाट आर द फ्लैगशिप स्पीशीज, दीज आर चूजन टू रिप्रेजेंट, ठीक है, फ्लैगशिप भैया फ्लैग क्या होता है, ठीक है, चूजन टू रिप्रेजेंट एन एनवायरमेंटल कॉज, ठीक है, जिसमें इकोसिस्टम में उसका नीड है कंजर्वेशन का, उस पर्टिकुलर स्पीशी को हम लोग फ्लैग स्पीशी बोलते हैं। किसी को भी चाहे वो चूजन फ्रॉम देयर वल्नरेबिलिटी, अट्रैक्टिवनेस, डिस्टिंक्टिवनेस, ठीक है, जिससे उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम को कंजर्व किया जा सके, ठीक है, कंजर्व किया जा सके, उसे हम फ्लैगशिप स्पीशी कहेंगे। जैसे रॉयल बंगाल टाइगर, इंडियन टाइगर जो है,
ठीक है, अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं, ये अफ्रीका में, ब्लैक स्पीसी, ओरंगटान साउथ ईस्ट एशिया में, इसके लिए इनके प्रोटेक्शन के लिए हमने इनको जो है फ्लैगशिप स्पीशी ये बना दिया, ठीक है, कि भैया ये पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के कॉज को या किसी भी इकोसिस्टम या जहां पर ये लोग रहते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, प्रिजर्व किया जाए ताकि वो सस्टेन कर पाए, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं फ्लैगशिप स्पीशीज। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्पीशीज चूजन टू रिप्रेजेंट एनवायरमेंटल कॉज, ठीक है, फॉर वॉट, फॉर द कंजर्वेशन, ठीक है, फॉर वॉट, फॉर द कंजर्वेशन। नेक्स्ट कीटोन स्पीशीज, ठीक है भैया, जिसका एडिशन या लॉस इकोसिस्टम के बहुत मेजर चेंजेस लेकर के आएगा, ठीक है भैया। जैसे मान लो ए स्पीशी है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है बी स्पीशी, ठीक है, जैसे प्रीडेटर है, हम लोग मान लेते हैं प्रीडेटर है जैसे, ठीक है, प्रीडेटर क्या करते हैं, दे फेड अपॉन द अदर एनिमल्स, ठीक है। अब मान लो ये चला ही गया तो ये क्या करेंगे बेचारे, भूखे मर जाएंगे, है ना, दे विल डाइड ड्यू टू स्टार्वेशन। और ये अगर खत्म हो गए तो इनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी, अगेन इट इज हार्मफुल ये चीज, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इन स्पीशीज को कीटोन स्पीशीज बोलते हैं, ठीक है, कि वो स्पीशीज जिनका किसी भी इकोसिस्टम में एडिशन या सब्सट्रैक्शन, एडिशन या सब्सट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो है अगर अकरेंस होता है, ठीक है, तो जिससे इफेक्ट पड़ता है दूसरे किसी स्पीशीज पर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज कंसिडर्ड एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस ऑफ मेनी अदर स्पीशीज, ठीक है, उसका प्रेजेंस, उसका इंपॉर्टेंस। जैसे प्लांट्स हैं, मान लो प्लांट्स हैं, इसके ऊपर हर्बीवोरस एनिमल फीड करते हैं, हर्बीवोरस, ठीक है, और प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो गए तो ये हर्बीवोरस एनिमल का क्या होगा, खत्म हो जाएंगे, एंड ये मर गए तो फिर कार्निवोरस नहीं रहेंगे, ठीक है, ये अपने फूड के लिए कहीं पर, कहीं और देंगे कार्निवोरस, किसी और जगह पर, किसी और चीज पर रिलाय करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये चीज, जैसे मैंने कहा प्रीडेटर्स, जितनी भी टॉप प्रीडेटर स्कीम्स स्पीशीज हैं, दे आर कंसिडर्ड एज द कीटोन स्पीशीज बिकॉज इट रेगुलेट्स ऑल अदर एनिमल्स पॉपुलेशन इन डायरेक्ट मैनर, ठीक है। ये चीज, कंजर्वेशन ऑफ कीटोन स्पीशीज आर रेलेवेंट, आर मोर रेलेवेंट, ठीक है, क्योंकि वो अदर स्पीशीज के साथ एसोसिएटेड होती हैं। दूसरी आती है अम्ब्रेला स्पीशीज, द नेम इटसेल्फ सेज अम्ब्रेला। अम्ब्रेला कैसा होता है भाई, ठीक है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला काफी बड़ा होता है, ठीक है, इसके अंदर सब आ गए, ठीक है, सारी जितनी भी है वाइड रेंजिंग स्पीशीज कवर हो गई यहाँ पर, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ अम्ब्रेला स्पीशीज ऑटोमेटिकली एक्सटेंड्स द प्रोटेक्शन टू द अदर स्पीशीज, चाहे वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो या फिर ना हो, ठीक है, ये चीज, चाहे वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, चाहे उसके ऊपर वो डिपेंडेंट ना हो, वो सारी की सारी स्पीशीज जो है अम्ब्रेला स्पीशीज में कवर होती है, ठीक है। तो हमारे पास तीन टर्म आ गए भैया, क्या हुआ, एक आई फ्लैगशिप, ठीक है, एक आई कीटोन, ठीक है, एक और आई हमारे पास फ्लैगशिप कीटोन, और दूसरी आई अम्ब्रेला, ठीक है, ये चीज अम्ब्रेला। स्नोलेपर्ड इज अ कीटोन, यस, बिल्कुल सही बोला शिवेक आपने, यस, अंडर वन रूफ, यस, ठीक है। और फिर बाद में आती है इंडिकेटर, द फोर्थ टाइप, ठीक है, इंडिकेटर हुज प्रेजेंस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द सेट ऑफ अदर स्पीशीज, ठीक है, सेट ऑफ अदर स्पीशीज, जिसका एब्सेंस अगर होगा तो मीन्स कि अदर स्पीशीज भी यहां पर अवेलेबल नहीं रहेंगी, ठीक है, ये चीज। इंडिकेटर स्पीशीज का अगर एक्सटिंक्शन शुरू होता है तो इट इज अ अलार्मिंग फैक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, अगर इनका एक्सटिंक्शन शुरू हो गया या इनकी पॉपुलेशन कम हो गई, ठीक है, इफ द एक्सटिंक्शन स्टार्ट्स, इट इज अ अलार्मिंग अलार्म है ये, ठीक है। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द अलार्मिंग स्पीशीज, ठीक है, इनको हम लोग अलार्मिंग स्पीशीज भी कहते हैं, जिनका एब्सेंस, ठीक है, जिनका एब्सेंस, धीरे धीरे पॉपुलेशन कम होना, एब्सेंस होना, भैया अर्ली साइन है, वार्निंग है, मॉनिटरिंग करो, देखो ये स्पीशीज गायब नहीं हो जाए, बायोडाइवर्सिटी जो है वो लुप्त, वो खत्म नहीं हो जाए, ठीक है, ये चीज, वो एंड नहीं हो जाए, इसलिए इसको हम लोग इंडिकेटर स्पीशीज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल है, जैसे इको रीजन्स में, जैसे कहीं भी कोई भी पॉपुलेशन या आउटब्रेक, कोई भी डिजीज का आउटब्रेक हुआ, पॉल्यूशन हुआ, स्पीशीज कंपटीशन और द क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो ये चीज है। फिर आती है नेक्स्ट फाउंडेशन स्पीशीज, ये डोमिनेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन ले करते हैं फॉर अ इकोसिस्टम, जैसे कोराल्स हैं, ठीक है, व्हाट द कोराल्स डू, व्हाट, हाउ द कोराल्स फॉर्म, कोराल्स बेसिकली दीज आर द कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिटेड अंडर द वाटर, ठीक है, जो पॉलिप्स होते हैं, ठीक है, वो चीज, उनका कैल्शियम कार्बोनेट है, ये डिपॉजिट हो जाता है, बट इट बिकेम द होम, इट बिकेम अ हैबिटेट,
फॉर द वेरियस स्मॉल फिशेस, वेरियस ऊजेस, एल्गेस, ठीक है, यहाँ पर ये चीज, ये तो ये फाउंडेशन एक ढक गया, फाउंडेशन स्पीसीज। तो हमारे पास क्या हुआ भैया, अब देख लो, फ्लैगशिप, कीटोन, अम्ब्रेला, इंडिकेटर और फाउंडेशन। अब ये वर्ड याद रखना भैया, कहीं पर भी किसी भी स्पीशी को लेकर के अगर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में ये वर्ड यूज हो तो भैया भूलना नहीं, ठीक है, बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि जब हम कंजर्वेशन मेजर पढ़ेंगे तब वहां पर ये वर्ड्स यूज होंगे कि भैया दिस पर्टिकुलर स्पीशी इज कंजर्व बिकॉज इट इज अ फ्लैगशिप स्पीशी, या दिस स्पीशी हैज बीन मेड अ फ्लैगशिप स्पीशी। तो उसको फ्लैगशिप बनाया क्यों, वाई वाई, ठीक है, फ्लैगशिप होता क्या है, वाई। तो ये उस वाई का आंसर है, ठीक है, ये उस वाई का आंसर है, ठीक है। तो ये पांच तरीके के स्पीशीज एक पर्टिकुलर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है, गॉट इट, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्केल्स, द स्पैटियल स्केल्स ऑफ द बायोडायवर्सिटी। भैया तीन मेजर्स होते हैं, तीन इंडाइसेस होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा और दूसरा होता है गामा, ठीक है। अल्फा डायवर्सिटी ये विद इन अ कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, लोकल डायवर्सिटी भी इसको बोलते हैं, लोकल डायवर्सिटी, ठीक है, मींस द डायवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट शेयर द सेम कम्युनिटी और द हैबिटेट, सेम कम्युनिटी और द हैबिटेट, ठीक है, नंबर ऑफ स्पीशीज विद इन, ठीक है। अम्ब्रेला स्पीशीज में जैसे राइनो, वन हॉर्न राइनो है इंडिया में, काजीरंगा नेशनल पार्क में बेटा, ठीक है, ये चीज। फ्लैगशिप स्पीशी, फ्लैगशिप स्पीशी जो होती है बेटा वो पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर एरिया को वो बिलोंग करती है और उसको, उसकी डिस्टिंक्टिवनेस, उसकी वल्नेरेबिलिटी, उसका अट्रैक्टिवनेस उस पर्टिकुलर जोन को या उस पर्टिकुलर बायोडाइवर्स जोन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया वन हॉर्न राइनो, तो काजीरंगा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो पूरी की पूरी वन हॉर्न राइनो के लिए बनी है, तो वो फ्लैगशिप स्पीशी हो गई, ठीक है। यस, लोकस्ट कैन बी टेकन एज अल्फा डाइवर्सिटी, बिल्कुल सही, ठीक है, यस इट कैन बी टेकन संतोष, ठीक है। और भागी भाग्य ज्योति, ठीक है, तो अम्ब्रेला स्पीशी भी वही हो गई क्योंकि उसके अंडर में ही सारी स्पीशीज जो है वो सब कंजर्व हो रही है, ठीक है। अल्फा डायवर्सिटी इज ऑफ लोकल स्केल, यस, एक ही पर्टिकुलर जगह पर, यस इट इज अ लोकल डायवर्सिटी, एक लोकल स्केल पर। मान लो ये कोई जोन है, ठीक है, यहाँ पर ए स्पीशी भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, तो इनके बीच में जो डायवर्सिटी बन रही है दैट वी कॉल्ड एज अ अल्फा डायवर्सिटी, ठीक है। मेजर द काउंटिंग द नंबर ऑफ स्पीशीज, क्या हो रहा है, मेजर काउंटिंग द नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम, नंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक है, यस इट इज ऑफ लोकल स्केल। वहीं पर बीटा डायवर्सिटी, बीटा डायवर्सिटी हो गई richness of different diversities along a gradient from one habitat to the another। भैया एक habitat ये है, एक habitat ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये, अब इनके बीच में interaction, ठीक है, इनके बीच में interaction, इनके बीच में gradient, ठीक है, ये चीज। टू adjacent ecosystem में यहाँ पर ये आता है, ठीक है। Now we know that the number of species to each of the ecosystem is unique, ठीक है, unique होती है हर एक ecosystem में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वेरिएशन इनके हैबिटेट में होता है एज पर द मॉइस्चर ऑल्टीट्यूड, ठीक है, जब भैया कोई जरूरत होती है तो वो यहाँ आ गए, अपना वर्क पूरा किया, फिर वापस चले गए, इस तरीके से। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द बीटा डायवर्सिटी, ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द बीटा डायवर्सिटी। एंड देन द कम्स द लास्ट द गामा डायवर्सिटी एंड विच इज द मेजर ऑफ ओवरऑल डायवर्सिटी फॉर द डिफरेंट इकोसिस्टम, ठीक है, डिफरेंट इकोसिस्टम। और ये जो है सिर्फ बाउंडेड होता है नेचुरल बाउंड्रीज से, ठीक है, टोटल लैंडस्केप होता है एक रीजन में। भैया जैसे एक बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पर हमको गामा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, यहाँ पर हमको गामा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है बिकॉज एस अल्फा बाय डाइवर्सिटी एंड बीटा डाइवर्सिटी भी यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, अल्फा और बीटा, बीटा में क्या हो रहा है, इनके बीच में मूवमेंट हो रहा है, गामा में क्या हो गया, ये सब आ गया इसके अंदर, एवरीथिंग, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ कॉन्टिनेंट विद इट्स सीज, ओशियंस, लेक्स, रिवर्स, माउंटेन्स, रेन, ये सब हमने गामा डाइवर्सिटी में कवर कर लिया। सर इट इज पॉसिबल दैट स्पीशी फाइट टू लिव इन बीटा डाइवर्सिटी, यस इट इज पॉसिबल, क्यों नहीं हो सकता भैया, अपना पर्पस है, उसका पर्पस अगर वहां पर सॉल्व हुआ, ठीक है, उसका पर्पस वहां पर सॉल्व हुआ तो वो फिर जैसे मैंने आपको क्या कहा कि वो दूसरे रीजन में जाएगी, अपना कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन है उसे कंप्लीट करेगी और वापस आ जाएगी। अगर उसे लगा कि वापस नहीं जाना है, यहीं पर रहना है, तो वो वहीं पर रह जाएगी, ये होता है, इट इज देयर,
ठीक है, ये चीज बीटा डाइवर्सिटी मीन्स, बीटा डाइवर्सिटी मैंने अभी बताई दी आपको, बीटा डाइवर्सिटी बेटा एक स्पीशी दो दो अलग अलग इकोसिस्टम है, इनके बीच में इंटरेक्शन, इनके बीच में इंटरेक्शन। भैया कोई स्पीशी है उसको एक पर्टिकुलर कोई रोल प्ले करना है, वो यहां पर जाएगी अपना रोल प्ले करेगी फिर वापस आ जाएगी, ठीक है। यस इट कैन, इट कैन, बट हमेशा ये चीज नहीं होगी, ठीक है, इट कैन, हो सकता है। यस डोमिनेंट स्पीशीज विल प्रिवेल ओवर दैट पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, डोमिनेंट स्पीशीज विल प्रिवेल, ठीक है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, भैया बहुत ज्यादा अनइवन है डिस्ट्रीब्यूशन बायोडाइवर्सिटी का हमारे अर्थ सर्फेस के ऊपर, बिल्कुल भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो ग्लोब बना है इक्वेटर के ऊपर भी वही सेम बायोडाइवर्सिटी है जो हमको पोल पर मिलेगी, भैया सब जगह पर अलग अलग है, इक्वेटर से लेके पोल वर्ड जो है बायोडाइवर्सिटी वेरी करती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बायोटा फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स, जैसे टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है, ऑल्टीट्यूड है, सॉइल है, ज्योग्राफी हो गई यानी कि टोपोग्राफी हो गई, ठीक है, अदर स्पीशीज का प्रेजेंस हो गया ये चीज। लेकिन अगर हम देखें तो टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी इज ग्रेटर नियर द इक्वेटर, बट इन द पोलर रीजन इट इज लोअर, वहीं पर, ठीक है, क्यों? क्योंकि वार्म क्लाइमेट में हायर हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है ये बन जाती है, इट इज, इसीलिए टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी इक्वेटर पर ज्यादा है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पर ज्यादा है। इट इज इंटरेक्शन, इंटरेक्शन और कंपेरिजन, बेटा बेसिकली वो इंटरेक्शन होगा सबसे पहले, ठीक है, इंटरेक्शन विल डू इन द बीटा डाइवर्सिटी, इन द बीटा डाइवर्सिटी इंडाइसिस, ठीक है, वहां पर इंटरेक्शन होगा, कंपैरिजन नहीं होगा, इंटरेक्शन होगा। कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन है उसे वो कंप्लीट करके वापस, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फ्रेश वाटर में एक फिश होती है, वो फिश होती है महाशीत, ठीक है, रनिंग वाटर में, यस इट इज, इट इज, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, यस इट इज। धीरे धीरे जेनेटिक चेंज, यहाँ पर जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गई भैया, एडाप्टेशन टू द अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस, जीन्स में वेरिएशन हुआ एंड देन द ह्यूमन इवॉल्व, ठीक है, ये चीज, सॉरी, ठीक है, ह्यूमन इवॉल्व, कोई नहीं, कोई नहीं बेटा, ठीक है, क्लियर हुआ आप, क्लियर हुआ आपको, ठीक है, ये चीज। नाउ डाइवर्सिटी जो है डिस्ट्रीब्यूशन काफी अनइवन है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, और टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है, इट इज मोर। रेन फॉरेस्ट हैव हाई बायोडाइवर्सिटी ऑलवेज, ये हमने देखा भी था जब हमने इकोसिस्टम्स पढ़े थे, ठीक है, टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी, और ओशन से बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होती है, क्यों? बिकॉज ऑफ द फूड। ओशंस में क्या होता है कि जो फाइटोप्लैंकटन्स होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स फाइटोप्लैंकटन्स, ये कुछ सर्टेन डेप्थ तक ही होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ओशन, मरीन बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, फाइटोप्लैंकटन्स जो होते हैं ये एक डेप्थ तक ही अवेलेबल होते हैं, ठीक है, ये चीज, क्यों? क्योंकि उनको सनलाइट में अपना फूड प्रिपेयर करना है, ठीक है, जो लोअर बॉटम लेवल में जो फिशेस होते हैं या जो इन पर फीड अप होते हैं वो रात के समय में ऊपर आते हैं, नाइट दे कम्स अप, इनको ईट करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, ठीक है, लो भैया ये आए खाना खाया और वापस चले गए, ठीक है, और इनके लिए, इनको जो है दूसरे स्पीशीज ये ईट अप कर जाते हैं, जैसे शार्क्स हैं, ठीक है, और बिग सी एनिमल्स हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक सिस्टम बड़ा अजीब वो गरीब सा, पर लैंड के ऊपर ऐसा नहीं है, लैंड के ऊपर क्या है भैया, ये पेड़ है तो यहीं पर आसपास हर्बीवोरस एनिमल्स ने अपना घर बना लिया, ठीक है, यहीं आसपास ढेर सारे पेड़ हैं, ढेर सारे ट्रीज हैं, ठीक है, और हर्बीवोरस एनिमल्स ने यहीं पर अपना जो है घर बना लिया, डाइवर्सिटी ऑब्वियसली, ट्री स्टॉल हो गए तो यहाँ पर क्रीपर्स भी हमको मिल जाएंगे, एपिफाइट्स मिल जाएंगे, इंसेक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है, मॉइस्चर ज्यादा है तो सॉइल पर यहाँ पर हमको मैमल्स कम, रेप्टाइल्स ज्यादा मिल जाएंगे, तो यहाँ पर डाइवर्सिटी हो गई एक पर्टिकुलर इसी जोन में, पर सी में ऐसा नहीं होता, ठीक है, सी में ऐसा नहीं होता बेटा। मेरी क्लास थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये 9 बजे होती है इकोलॉजी और ये एनवायरमेंट की, और फिर वैसे डेली 10 बजे होती है हिस्ट्री की, जो अभी हिस्ट्री चल रही है, ठीक है, ये चीज। बाकी मैं अपनी क्लासेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, तो चैनल है t.me/upsc अमित मोदी, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, मैं इस पर डालते रहता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इस पर मैं डालते रहता हूँ, ठीक है, ये चीज। नाउ लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट भी है भैया, हर लैटिट्यूड पर एक बराबर का हमको एक जैसा स्पीशीज नहीं मिलता, जनरली डाइवर्सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले,
ठीक है, बताया मैंने कि लोअर लैटिट्यूड्स पर लोकेलिटी ज्यादा स्पीशीज हमको मिलते हैं, यस दिस ऑल्सो वी हैव सीन। ये हम लोग जब हम इकोसिस्टम पढ़ रहे थे तो यहां पर हम लोग देख चुके हैं कि भैया इक्वेटर के ऊपर या ट्रॉपिकल के ऊपर, ट्रॉपिकल में जैसे रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ठीक है, या इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा है, हर्बीवोरस एनिमल्स भी बहुत सारा है, लिचेंस भी है, मूजेस भी है, क्रीपर्स भी है, रेप्टाइल्स भी है, इंसेक्ट्स भी है, सब कुछ है, वेराइटी ऑफ स्पीशीज आर देयर, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पर हो गया बेटा अब बायोलॉजिकल, यानी कि हर चीज, हर टाइप की स्पीशीज है उनकी डाइवर्सिटी। ठीक है, यू वोंट बिलीव, लगभग लगभग 5000 टाइप के इंसेक्ट्स अकेले अमेजन रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, 5000 तरीके के कीड़े, सोचो ये स्पीशीज है, 5000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये डाइवर्सिटी, और जैसे जैसे हम पोलवर्ड मूव करते जाएंगे ये डाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाएगी। पोल पे हमको क्या मिलेगा? पोल पे हमको मिलेंगे सिर्फ लिचेंस। क्या मिलेंगे हमको? लिचेंस, मूजेस, ये मिलेंगे बस, ना ट्री है, ना प्लांट है, ना कुछ है, ना एनिमल्स, जो भी एनिमल्स भी है अगर तो वो इन पर फीड अप करते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, ये चीज, तो लैटिट्यूडल ग्रेडियंट जो है स्पीशीज की डाइवर्सिटी में यहाँ पर इक्वेटर से पोलवर्ड डिक्रीज करता है। ठीक है, इकोलॉजिकल मैकेनिज्म से बहुत सारे इस कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इस ग्रेडियंट को, अल्टीमेट फैक्टर बिहाइंड देम इज अ ग्रेटर मीन टेम्परेचर एट द इक्वेटर एज कम्पेयर टू द पोल। टेम्परेचर, यस टेम्परेचर, इवन अर्थ के ऊपर भी लाइफ क्यों है? Because of its ambient temperature, approximately 14 to 15 degree Celsius, Earth का average temperature है भैया। ठीक है, Earth का average temperature है। ठीक है, इससे अगर कम हुआ तो Earth पे coldness हो जाएगी, तो हमको थोड़ा survive करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, ये चीज। Now, terrestrial biodiversity जो है, it declines from equator to the pole. Yes, ये मैंने बोली दिया। ठीक है, ये चीज unverified. भैया अनवेरिफाइड है एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, ये चीज। अब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड में सबसे पहले ग्लोबल बायोडायवर्सिटी, ठीक है, टोटल लाइफ ऑन द अर्थ, हाफ ऑफ द स्पीशीज लिव इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, पूरे वर्ल्ड के हाफ, मोर देन हाफ ऑफ द स्पीशीज। अब देखें जरा क्वेश्चन, व्हाई सर ड्यू टू टेम्परेचर? हाँ, टेम्परेचर के कारण ही डाइवर्सिटी है बेटा। अच्छा, व्हाई ड्यू टू टेम्परेचर डाइवर्सिटी? देखो भैया, डाइवर्सिटी टेम्परेचर पर हर चीज डिपेंड करती है। टेम्परेचर से प्रेशर वेरी करेगा, प्रेशर वेरी करेगा तो विंड्स का मूवमेंट वेरी करेगा, विंड्स का मूवमेंट वेरी करेगा तो ट्रांसफर ऑफ हीट वेरी करेगी, एयर मासेस वेरी करेंगे, फिर क्लाउड्स का फॉर्मेशन एंड देन द रेनफॉल। किसी भी जगह पर वेजिटेशन के ग्रो होने के लिए, भैया मैंने क्या कहा? वेजिटेशन के ग्रो होने के लिए, सौमिक भैया, वेजिटेशन के ग्रो होने के लिए पानी सबसे ज्यादा जरूरी है। डेजर्ट एरियाज में पानी नहीं होता, इवेपरेशन इवेपरेशन होता है, इसीलिए वहां पर डेजर्ट है, वहां पर जो सॉइल है वो लूज है। ठीक है, सैंड है लेकिन वो लूज है, अगर पानी आ जाए तो वो चीज फर्टाइल हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान में इंदिरा गांधी केनाल है, इंदिरा गांधी केनाल जो कि हरिके से ड्रॉ की गई है, और लगभग लगभग नॉर्दर्न राजस्थान में वो पानी की सप्लाई करती है। ठीक है, उसके कारण वहां पर देखो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जा रही है। ठीक है, वाटर, और वाटर सीधे सीधे रिलेटेड है टेम्परेचर डिफरेंस के साथ, टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो इसीलिए टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन ये हमेशा डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं एक पर्टिकुलर वेजिटेशन टाइप के। गॉट इट? Now, go, gear bold. Can diversity explain the ecosystem services provided community? Diversity explains the ecosystem services provided community. बेटा मैं समझा नहीं आपके क्वेश्चन का मतलब यार। ठीक है, थोड़ा सा और इसको सिंपली elaborate करो यार प्लीज। ठीक है, अरे बेटा ये ज्योग्राफी में पढ़ेंगे यार, खादर, बंगर, तराई, ये सब संडे को मिलेंगे अपन, या फिर आओ लर्निंग ऐप के प्लेटफॉर्म पर, कल कल होने वाला है ये पार्ट। ठीक है, कल होने वाला है ये वाला पार्ट, है ना, लर्निंग ऐप है अनअकैडमी पर, शाम को ठीक 7 बजे ज्योग्राफी का ये सेशन में कल हम यही पढ़ेंगे, खादर, बंगर, तराई क्या होता है। संतोष गुप्ता क्या बोलते हैं? सर विच हैज मोर डाइवर्सिटी? लैंड, लैंड हैज मोर डाइवर्सिटी इन कंपैरिजन टू द ओशियंस। ठीक है, ये अनवेरीफाइड है अभी तक ओशियंस की डाइवर्सिटी। ठीक है, ये चीज। नाउ ग्लोबल डाइवर्सिटी, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा मिलता है। ऑप्टिमम क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल, टोपोग्राफी, लो रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, ये सब हमको यहाँ पर मिलते हैं। ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमको ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलती है। ठीक है, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस टेम्परेट रीजन्स में लोएस्ट स्टेप में रखा हुआ है। ठीक है,
लोएस्ट स्टेप में रखा हुआ है. ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट, ठीक है, दे आर रिलेटिवली मोर. एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सोलर एनर्जी अगेन इन द ट्रॉपिक्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द हायर डाइवर्सिटी. क्यों भैया? सोलर एनर्जी, बिकॉज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, प्लांट्स ग्रोथ उतनी अच्छी होगी. ऑटोट्रॉप्स, दीज आर ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, उतने ही ज्यादा इसके ऊपर जो है डिपेंडेंट हर्बीवोरस एनिमल्स आएंगे और फिर एक चेन बनेगा, ठीक है, इसलिए डाइवर्सिटी ज्यादा है. गॉट इट? नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इंडियन डाइवर्सिटी के बारे में. भैया बहुत ही ज्यादा मेगा डाइवर्स कंट्रीज है यार ये, वन ऑफ द, ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है, रिच इन बायोडाइवर्सिटी, रिच, ठीक है भैया, ये सब हमको पता ही है. नॉर्दर्न पोर्शन में है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर है, ज्योग्राफिक एरिया ऑफ ग्रेट वैरायटी ऑफ क्लाइमेट, ज्योग्राफिक एंड इकोलॉजिकल कंडीशंस, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है यहाँ पर, प्लेटोज हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है. यस चिंकी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है. नाउ ये लगभग लगभग जो भी वर्ल्ड के लगभग 7-3 मेगा डाइवर्स नेशन है, उनमें से 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स तो इंडिया में ही है. 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स तो इंडिया के अंदर ही है, ठीक है, ये चीज. नाउ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन, ठीक है, एशियाटिक लायंस, एशियन एलिफेंट्स, वन हॉर्न राइनोसेरस, डॉल्फिन, स्नो लेपर्ड्स, डिडोंग, ये सब, ये भैया अभी न्यूज में भी है डिगोंग, ठीक है, तो ये सब है ना, ये है हमारे पास. 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, उनमें से 4 तो इंडिया में ही है, हिमालय, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट्स एंड सुंडालैंड, ठीक है, सुंडालैंड, ये चौथा मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाया, यहाँ पर है, यहाँ पर इंडिया के अंदर ही है, ठीक है. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स अब क्या होते हैं, अब देखें डाउट, आई थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट एंड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द लोअर पार्ट इज अ की फैक्टर फॉर द लो बायोडाइवर्सिटी. स्टोन कोल्ड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन तो वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होगी बेटा, यस, है ना, ये चीज. सनलाइट, सनलाइट इज अ मेजर फैक्टर, ठीक है, सनलाइट इज अ मेजर फैक्टर. लो बायोडाइवर्सिटी नहीं भैया, यस, वी हैव 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, यस मेघना, बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है. सनलाइट एंड डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द लोएस्ट पार्ट इज द की फैक्टर फॉर लो बायोडाइवर्सिटी. नहीं, लो डायवर्सिटी कहाँ है भैया, वेरी हाई डायवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, वेरी हाई बायोडाइवर्सिटी इज देयर, ठीक है. शिवेक का क्वेश्चन क्या था, शिवेक ने तो हटा ही दिया क्वेश्चन को. ठीक है, ये चीज. नाउ कम्स द हॉटस्पॉट्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते क्या हैं, ठीक है. नॉर्मन मेयर्स ने पहली बार ये टर्म इंट्रोड्यूस किया इन द ईयर 1988. देखो भैया, 1968 में ये टर्म आया, 1988, 20 साल के बाद में हॉटस्पॉट्स आ गए. वर्ल्ड के अंदर लगभग 37 हॉटस्पॉट्स हैं, ठीक है, जिसमें से 4 तो इंडिया के अंदर ही है, 4 इंडिया में है, ठीक है. नाउ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, दीज आर द बायोजोग्राफिक रीजन with significant level of biodiversity which is threatened by human habitation, threatened by the human habitation, ठीक है, ये चीज. To qualify as the biodiversity hotspots, region has 1500 vascular plant as endemics, ठीक है, यानी कि it must have high percentage of plant life, ठीक है, it should have high percentage of plant life. Then 30% or less original natural vegetation should be there, must be threatened, ठीक है, और वो जो वेजिटेशन है वो threatened है, ठीक है, उसको हम लोग हॉटस्पॉट कहेंगे. अच्छा वाटर की, ओके 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 ओके, सॉरी मैं पूरा सुन पढ़ नहीं पाया. वाटर के लिए तो सही, लो बायोडाइवर्सिटी उसी लिए रहती है. एंड इट वेरीज इन लॉटिक एंड एटलांटिक वाटर बॉडीज, तो यस इट डिपेंड, ठीक है, ये चीज. नाउ देयर आर इन टोटल 36 एरियाज, 37 है यार ये, 37 एरियाज क्वालिफाइड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. 2.4% ऑफ द अर्थ का लैंड सरफेस को ये लोग सपोर्ट करते हैं, जिसमें नियरली 43% ऑफ बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, ये सब हमको मिलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. यस, दे नीड्स द प्रोटेक्शन बिकॉज यहाँ पर जो भी स्पीशीज है वो थ्रेटेंड है, ठीक है, because of the human intervention, because of the human intervention, that's why, ठीक है, ये चीज यहाँ पे आप देख सकते हो इस मैप में. These are the biodiversity hotspots of the world.
ये वर्ल्ड मैप में है, यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूजीलैंड, ठीक है, ये न्यूजीलैंड यहाँ पर है, ठीक है, सदर्न ऑस्ट्रेलिया, कैल्सिडोनिया, पॉलिनेशिया एंड माइक्रोनेशिया, यहाँ पर ये सबसे बड़ा जोन है पूरा एंडीज माउंटेन, राइट फ्रॉम इट्स टिप टू द हेयर, यहाँ तक, ठीक है, एंडीज माउंटेन, ट्रॉपिकल एंडीज, ठीक है, चिलियन विंटर रेनफॉल, वल्डिवियन वल्डिवियन फॉरेस्ट, ठीक है, देन मेसोमेरिका, ठीक है, पाइन ओक वुडलैंड्स, इंडिया के अंदर वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, ठीक है, हिमालयास, ठीक है, ये आ गया इंडो बर्मा, और ये आ गया सुंडालैंड, ठीक है, सुंडालैंड इसलिए क्योंकि अंडमान एंड निकोबार इसमें कवर हो जाता है, ये चीज इसीलिए, ठीक है, तो दीज आर द यस 37 एरियाज हैं, यस यस मैंने वो पार्ट सही कर दिया बेटा, उसको 37 एरियाज हैं। थ्रेटेंड मींस वो लगभग एक्सटिंक्शन की तरफ हैं, वो खत्म हो जाएंगे अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया, इंडिकेशंस मिल गए हैं बायोलॉजिस्ट को, ठीक है, यस एटाकामा डेजर्ट ये आ गया ना बेटा यहाँ पर, एटाकामा डेजर्ट इधर इट इज, यहाँ पर है एटाकामा डेजर्ट, ठीक है, ये चीज गॉट इट, हेलो हेलो गुरसिमरन, यस 1500 वेस्कुलर प्लांट्स विद एंडेमिज्म एंड एटलीस्ट 70% ऑफ स्पीशीज थ्रेटन इन द रिक्वायरमेंट, बिल्कुल ठीक है, यस ये बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है, ये चीज इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में एक तो ये डेजर्ट वाला रीजन आ गया, थार डेजर्ट का एक ये है, ये अगेन इसी में मर्ज हो जाता है वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंकन वाले में, ये हिमालयन आ गया, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आ गया बर्मा इंडो बर्मा एंड देयर कम्स द सुंडा आइलैंड, ठीक है, ये सुंडा पार्ट, ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे जो है इंडिया में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, ठीक है, तो दीज आर द बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया, एक एक करके देखते हैं, सबसे पहले द वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, 5000 स्पीशीज है भैया फ्लावरिंग प्लांट्स की, 139 मैमल्स हैं, 508 बर्ड स्पीशीज हैं, 179 एम्फीबियंस हैं, इकोलॉजिकली सेंसिटिव टू द डेवलपमेंट एंड द प्रोटेक्टेड बाय द टू बायोस्फीयर रिजर्व्स, 13 नेशनल पार्क्स एंड सेवरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वेस्टर्न घाट्स, टू बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे पहला है नीलगिरी और दूसरा है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट हो गया गल्फ ऑफ मन्नार क्योंकि यहां पर हमको अभी जस्ट पिछले महीने में ही स्कॉर्पियन स्कॉर्पियन फिश मिली है, ठीक है, बोलते हैं इस रीजन की नेटिव है वो, ठीक है, ये चीज नेक्स्ट नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पर बांदीपुर नेशनल पार्क है, टाइगर्स बायोस्फीयर रिजर्व, ये एक होलिस्टिक टर्म होता है, हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन में भी पढ़ेंगे इसको फिर से, मैं अभी बता देता हूँ ब्रीफ में, ये एक बड़ा रीजन होता है, इसके अंदर प्लांट्स एनिमल्स सारे टाइप के स्पीशीज में ह्यूमन बींग्स ये सब प्रोटेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, एंड विद द रिसर्च ऑल्सो, नेशनल पार्क थोड़ा इससे छोटा होता है, नेशनल पार्क में एक पर्टिकुलर फ्लैगशिप स्पीशी या कोई कीटोन स्पीशी या अम्ब्रेला स्पीशी उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, या कोई इंडिकेटर स्पीशी है उसके लिए उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, ये चीज श्रीलंका अगेन इट्स अ वेरी डाइवर्स नेशन, वेरी डाइवर्सिटी, वेरी हाई डाइवर्स नेशन है ये, ठीक है, 6000 तरीके के लगभग वास्कुलर प्लांट्स हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, स्पीशीज सबसे अच्छा ब्लैक पेपर, भैया इसी के लिए तो अंग्रेज आए थे यहाँ पर, ब्लैक पेपर, कार्डमम, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में ओरिजिन है इनका, कार्डमम यानी कि इलायची, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, इसीलिए तो यूरोपियंस आए थे इंडिया में, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स हाई कंसेंट्रेशन है अगस्त मलाई हिल्स में, अगस्त मलाई हिल्स एक्सट्रीम साउथ, लाउंड लॉइन टेल्ड मकैक्यो इज द फ्लैगशिप स्पीशी ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ये है फ्लैगशिप स्पीशी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है लॉइन टेल्ड मकैक्यो का सिविल सर्विसेज एग्जाम में। अब आते हैं हम ईस्टर्न हिमालयास में, ईस्टर्न हिमालयास एनकम्पासिंग द भूटान, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, सदर्न ईस्टर्न नेपाल, सेंट्रल एंड ईस्टर्न नेपाल, सब कुछ, वन हॉर्न राइनोसेरस, राइनोसेरस यूनिकॉर्निस, वाइल्ड एशियन वाटर बफेलो, ठीक है, एंड देन द मेजर रेप्टाइल्स और ये सब, ठीक है, और अभी जापान में मिला है हमको, इस रीजन में जापान का ही है, दैट इज द ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, जेनेसिस इसकी जापान में है लेकिन ये इस रीजन में अब एंडेंजर्ड स्पीशी है, एंडेंजर्ड स्पीशी, ठीक है, ये चीज, ठीक है ना, यहाँ पर हमको हिमालयन न्यूट भी देखने को मिलती है, एंड थ्रेटन स्पीशीज आर द बर्ड स्पीशीज लाइक हिमालयन क्वेल, ठीक है, चीर फीजेंट, वेस्टर्न ट्रैगकॉन, ये सब है यहाँ पर, पाउला बोवाइन भी है, ये भी यहाँ पर जो रेयरेस्ट एनिमल है एंड वॉज वियतनाम, लास्ट सीन इन वियतनाम ओनली, ठीक है, ये मैमल्स लाइक गोल्डन लंगूर, यहाँ पर हमको गोल्डन लंगूर देखने को मिलते हैं, ठीक है, लंगूस, एशियाटिक वाइल्ड डॉग, स्लॉथ बियर्स, भैया ठंडा एरिया है ना तो स्लॉथ बियर्स ये भी मिलेंगे, गॉर्स,
ठीक है, सांभर, स्नो लेपर्ड, ब्लैक बेयर, ये सब हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, एंड रिवर्स में द डॉल्फिन, ठीक है, रिवर्स में डॉल्फिन, बिकॉज दे नीड द फ्रेश वाटर, ठीक है, हिमालयंस में फ्रेश वाटर होता है, तो यहाँ पर ये, ठीक है भैया। फ्लाइंग स्क्विरल ये हॉटस्पॉट है, एंडेमिक जेनेसिस है, नाम दाफा, ये अरुणाचल प्रदेश में है, नाम दाफा, ठीक है, फ्लाइंग स्क्विरल उड़ने वाली, नाम दाफा नेशनल पार्क में है, ये सब हम लोग फिर से एक बार देखने वाले हैं, ठीक है, ये चीज। 45 स्पीशीज इंडियन राइनोसेरस की, वन ऑफ द 45 स्पीशीज जो ईस्टर्न हिमालयस में है, जिसको प्रोटेक्ट किया गया है इन दिस रीजन, ठीक है, ये चीज। इंडो बर्मा रीजन, इंडो बर्मा मीन्स नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, मलेशिया, बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ब्रह्मपुत्र रिवर वैली, ये सब कवर होता है, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, ये सब कवर होता है इस रीजन में। इस रीजन का सबसे इंपॉर्टेंट है जिंजर, अदरक, ये नेटिव है इस रीजन की, ठीक है, लगभग 13,500 प्लांट की स्पीशीज है यहाँ पर इस रीजन में, पंकीज, लंगूर, गिबॉन्स, वो सब मिलते हैं इस रीजन में। एंड देन कम्स द सुंडालैंड, इंडो आर्शिपेलैग, ये यहाँ पर हमने अंडमान एंड निकोबार को भी ये रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए हम इसको इंडियन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी बोलते हैं, ठीक है, ये चीज। अंडमान एंड निकोबार यूनाइटेड नेशन ने इसको जो है वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में 2013 में रखा था। रिच है टेरेस्ट्रियल और मरीन इकोसिस्टम दोनों में, और यहाँ पर सब है, मैंग्रोव्स हैं, कोरल रीफ्स हैं, सी बीट्स हैं, सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है, इसीलिए ये इतना ज्यादा डाइवर्स है, क्रोकोडाइल्स, डकल, टर्टल्स, डुगोंग्स, फिशेस, पॉन्स, एवरी एनिमल, इसीलिए यहाँ पर है, ठीक है, ये चीज। अब भैया हमने सब तो पढ़ लिया, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, यस, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, सबसे इंपॉर्टेंट, हमको ये फूड रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिनल प्लांट, हर्ब्स, ये देते हैं, ट्रीज शेड के साथ फॉरेस्ट, विंटर रेनफॉल, लोकल रीजन को प्यूरिफाई करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, ये सब कल्चरल एंड एस्थेटिक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वेन एवर वी सी द ग्रीनरी, हमारे माइंड में एक अलग सा एक सिग्नल आता है, जिससे हमको फ्रेशनेस फील होती है, सारे स्ट्रेस हमारे माइंड से भाग जाते हैं, ठीक है, तो ये चीज, तो ये सब बायोडाइवर्सिटी के बेनिफिट्स हैं। क्या है भैया? फूड, रॉ मटेरियल, फ्रेश वाटर, ट्रीज, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स, इकोसिस्टम को ये रेगुलेट करते हैं, ठीक है, मॉडरेट करते हैं नेचुरल डिजास्टर्स को, लाइक फ्लड, स्टॉर्म, सुनामीज, कोराल रीव्स हैं और मैंग्रोव्स हैं, जैसे कोस्टलाइन को प्रोटेक्ट करते हैं स्टॉर्म डैमेज से, ठीक है, देन इकोसिस्टम के वेटलैंड जो है वो फिल्टर करते हैं, और हमको पोर्टेबल वाटर जो है वो अलाउ कर देते हैं, ठीक है, ये चीज। एक्टिविटी, वेरियस एक्टिविटीज आर देयर, ठीक है, जो कि न्यूट्रिएंट्स को जो है सॉइल में फिक्स करती है, पॉल्यूशन को रिड्यूस करती है, पैथोजेंस है, देयर आर वेरियस पैथोजेंस, ठीक है, सॉइल इरोजन को रोकते हैं, मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, यस, न्यूट्रिएंट्स जब फिक्स होंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी ऑब्वियसली बढ़नी ही बढ़नी है, ठीक है, वेक्टर बॉर्न जितने भी डिजीजेस हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस उनको बचाते हैं, उनसे बचाते हैं, ठीक है, बर्ड्स, बैट्स, फ्लाइज, वास्प, फ्रॉग्स, ये सब नेचुरल कंट्रोल जो है ये सब होते हैं, और स्पीशीज का हैबिटेट, एंड इट मेंटेन्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी, वेरिएशन नहीं आता, ठीक है, और सबसे ऊपर कल्चर, स्पिरिचुअल एनरिचमेंट, कॉग्निटिव यानी कि मेंटल डेवलपमेंट, रिफ्लेक्शन, रिक्रिएशन, एस्थेटिक एक्सपीरियंसेस, रिक्रिएशन एंड हेल्थ, ये सब हमारी, भैया हम बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर बोलता है जाओ किसी हरियाली वाली जगह पर रह आओ, थोड़ी देर हिल स्टेशन पे घूम आओ, क्यों भैया? भाई बिकॉज यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है, प्लांट्स की अच्छी खासी स्पीशीज है, ऑक्सीजन भी अच्छा मिलेगा, ठीक है, तो ये चीज, तो दिस इज द बेनिफिट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, दिस इज द बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये अपना बेसिक पार्ट था जो हमने कवर किया, और अब हम आते हैं हमारे इस क्वेश्चन के सेशंस पर। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चंस शुरू होते हैं, आज हम सिर्फ 14 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है, कितने? 14। रेडी हैं आप सभी लोग? अगर यस तो चैट बॉक्स में थम्स अप का साइन डालो पहले, सबसे फटाफट से। वेरी गुड संतोष, तुमने तो आंसर के साथ ही दिया, अरे वाह गरिमा, वेरी गुड रायन, अगेन वेरी गुड रायन, गरिमा वेरी गुड, संतोष
गुलाब, चिंकी, स्टोन कोल्ड, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, यस, इसका आंसर सी है, बिल्कुल सही है, सी इसका आंसर है, टेम्परेट ग्रासलैंड है। डाउन्स कहाँ मिलते हैं हमको? ऑस्ट्रेलिया में, ये हमको ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। वेल्ड्स हमको साउथ अफ्रीका में मिलते हैं, साउथ अफ्रीका। ठीक है, प्रेरीज हमको यूएसए में मिलते हैं, और ये हमको यूरेशिया, अगर हम बोले तो सदर्न पार्ट ऑफ रशिया प्लस यूक्रेन प्लस बेलारूस। ठीक है, ये सारे के सारे वीट ग्रोइंग रीजन्स हैं, वीट ग्रोइंग रीजन्स। नाउ एक और मजे की बात बताता हूँ आपको, इंडिया वीट इज नॉट द नेटिव ऑफ इंडिया, ये स्टेपीज का नेटिव है, और जब आर्यंस यहाँ पर आए थे इट हैज बीन सेड कि भैया वो वीट को अपने साथ लेकर के आए थे। ठीक है, ये चीज। डाउन्स इज इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, डाउन्स इज इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यूएसए, यस। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। गुड यार, आप लोगों को याद है सारी चीजें, इट्स गुड। लास्ट वीक हमने पढ़ा था ये सब, बहुत अच्छे। दिस क्वेश्चन, द सेकंड क्वेश्चन, यस, सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? यस, करेक्ट, आप सभी लोग संतोष। फॉरेस्ट नहीं है, फॉरेस्ट इज नॉट द स्टेबल इकोसिस्टम। ठीक है, इन सभी में जो है स्टेबल इकोसिस्टम, दैट इज द ओशियन। अगर हम टेरेस्ट्रियल और मरीन इकोसिस्टम की बात करें, ठीक है, तो इन दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है मरीन इकोसिस्टम, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, बहुत जल्दी यहाँ पर इतने वेरिएशन या अपहीवलनेस नहीं आते हैं, लेकिन टेरेस्ट्रियल में ऐसा नहीं है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल में ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ओशियन। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन इकोसिस्टम और बायोम्स? बायोम तो खैर बोलते नहीं, इकोसिस्टम को गलत लिखा गया, ओशियन इकोसिस्टम। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन? यस, करेक्ट, फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स, दीज आर द मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। यस, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने आपको, यस करेक्ट है, फाइटोप्लैंक्टन्स। शिवेक, यस सही, प्रीति, शिवेक, काजल, गुलाब, तन्मोय, रायन, मेघना, स्टोन कोल्ड, सभी सही हो, संतोष, गरिमा, ऑल आर राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन, द मरीन एंड एस्चुरीज, द मरीन एंड एस्चुरीज आर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, स्पेसक्राफ्ट एंड एक्वेरियम्स आर मैन मेड इकोसिस्टम, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट? मेरीन एंड एस्चुरीज आर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, स्पेसक्राफ्ट एंड एक्वेरियम्स आर मैन मेड इकोसिस्टम, विच वन ऑफ देम आर करेक्ट? अरे स्टोन कोल्ड, संतोष, कॉमिक, क्या कर रहे हो भाई? वर्ड है मेरीन एंड एस्चुरीज,
क्या है? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम? नहीं भैया, ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम नहीं होते हैं. दीज आर नॉट, दीज आर ब्रैकिश, दीज आर ब्रैकिश, एस्टुरीज आर ऑलवेज ब्रैकिश. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया. इसका राइट आंसर ये है, यस, स्पेस क्राफ्ट एक्वेरियम, दीज आर द मैन मेड इकोसिस्टम्स. फोर्थ का बी होगा, यस, टू, ये वाला आंसर राइट है इसका. फोर्थ का बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. फिफ्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. टुंड्रा बायोम्स कंसिस्ट ऑफ प्लेन्स कैरेक्टराइज्ड बाय स्नो, आइस एंड फ्रोजन सॉइल. टुंड्रा बायोम कंसिस्ट मेनली ऑफ लिचेंस एंड मोसेस. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, होता है, भूल जाते हैं कभी कभी. ठीक है, जहां गलती करोगे चलेगा, पेपर में गलती नहीं करना. ठीक है, पेपर, पेपर सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, ये ध्यान रखना. ठीक है संतोष, प्रीति, अरे खुशबू, फातिमा, काजल, रायन, ना ये रायन ने तो सी बोला. यस, फिफ्थ का आंसर है सी, यस करेक्ट है. फिफ्थ का ए नहीं, अरे गुलाब, अब फिर आप ओनली वन. टुंड्रा बायोम कंसिस्ट मेनली ऑफ लिचेंस एंड मोसेस. यस भैया, टुंड्रा ये बैरन मतलब होता है इसका, बैरन. ये स्टेटमेंट सही है, मेनली लिचेंस एंड मोसेस ही है यहाँ पर और कुछ भी नहीं है. ठीक है, और बायोम में कंसिस्ट जो प्लेन्स हैं, दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्नो, आइस एंड फ्रोजन सॉइल. तभी तो यहाँ पर वेजिटेशन नहीं है, इसलिए तो यहाँ पर वेजिटेशन नहीं है. तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर सी होगा. बोथ वन एंड टू आर करेक्ट, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट. थोड़ा सा रिविजन करो बेटा. ठीक है, नेक्स्ट. Consider the following statement. The Mediterranean biome is also called as sclerophyll biome. These biomes has developed between 30 degree to 40 degree latitudes in both the hemispheres. Yes. Yes, absolutely right. ठीक है, सी, सी इज द राइट आंसर, एब्सोल्यूटली राइट. दोनों, इसको हम लोग चैपरेल भी बोलते हैं, चैपरेल भी बोल कहा जाता है, ये कैलिफोर्निया में कहते हैं. स्क्लेरोफिल, ठीक है, ये टाइप ऑफ अ ट्री है. फिम्बॉइस्ट, ये भी है इसका नाम, फिम्बॉइस्ट भी है. फिम्बॉइस साउथ अफ्रीका में बोलते हैं इसको. ठीक है, फिम्बॉइस्ट. ठीक है, श्रब्स ये ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है. ठीक है, स्क्लेरोफिल, अगेन इट इज द राइट आंसर, पहला स्टेटमेंट सही है. और ये 30-40 डिग्री लैटिट्यूड्स में डेवलप होते हैं, दोनों सही है, तो इसका आंसर सी होगा. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यस, चैपरल, CHAPPERL. नेक्स्ट, यस, वी कॉल इट एज अ वुडलैंड बायोम. बिल्कुल सही, वुडलैंड बायोम बोलते हैं उसे. सेवेंथ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बायोम अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज. फिर से पढ़ता हूँ स्टेटमेंट, फिर से पढ़ो ध्यान से. अरे क्या बात है, क्या बात है, मेरा पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं और आप लोगों ने आंसर दे दिया. गुड, चलो मैं पढ़ देता हूँ. द ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बायोम अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज. ठीक है, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर मेंबर्स ऑफ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. दोनों स्टेटमेंट सही है यार.
है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर सी होगा, बोथ वन एंड टू। यस, एट क्वेश्चन नाउ। बायोडायवर्सिटी मींस वेरी गुड, एट का सी, और सी का ऐसे बस खाली ये जो वर्ड है, पर्टिकुलर एरिया, डाइवर्स, पर्टिकुलर सॉरी पर्टिकुलर एरिया, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अरे सिमरन, ए नहीं होगा बेटा, मैंने क्या बोला, डाइवर्सिटी इन अ पर्टिकुलर एरिया, डाइवर्सिटी वेयर, डाइवर्सिटी इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा, सी इज द राइट आंसर। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन। हाँ बेटा, बाप, अभी मैं बस अपना सेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद लेता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, होता है। ठीक है, यस, नाइन्थ डी, संतोष बोलता है नाइन्थ ए, प्रीति बोलते हैं नाइन का डी, सोन कोल नाइन डी, रायन नाइन डी, मेघना नाइन डी। यस, इसका राइट आंसर डी ही होगा। ठीक है, यस, इसका राइट आंसर डी ही है। चारों हैं, दीज आर द फोर, ऑल आर द बेसिस फॉर द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, सॉइल फॉर्मेशन, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट एंड पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स ऑल्सो। जब क्रॉप्स पॉलिनेट ही नहीं होंगी तो बेटा पकेगा ही नहीं, फ्लावर ही नहीं होगा उसके अंदर, है ना, कैसे फिर सीधा आएगा। नाइन्थ का ए नहीं होगा बेटा गुलाब, नाइन्थ का डी होगा। चारों के चारों ऑप्शन इसमें सही है, पॉइंट्स। ठीक है, ये चीज, तो इसीलिए इसका डी आंसर है, वन टू थ्री फोर स्टेटमेंट आर राइट। टेंथ क्वेश्चन। यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो, बिल्कुल सही। वेरी गुड सुप्रिया, बहुत अच्छे, यानी कि आपने उसको सेशन को अच्छे से सुना है, इट शोस। टेंथ का ए आंसर है बेटा, की स्टोन स्पीशीज, अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी, सम स्पीशीज आर इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द एबिलिटी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अदर स्पीशीज टू परसिस्ट। ठीक है, इन द कम्युनिटी, उसको हम कीटोन स्पीशी बोलते हैं, मैंने इसीलिए बोला था उसको सुनना ढंग से। ठीक है, कीटोन स्पीशी परसिस्ट कर रही है अदर स्पीशीज, ठीक है, ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, इसीलिए उसको कीटोन स्पीशी कहा जाता है ना, कीटोन स्पीशी। नेक्स्ट, इलेवेंथ क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोर जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन अ स्पीशी लीड्स टू लेसर वेरिएबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द स्पीशी टू द एनवायरमेंट चेंज। अ लार्ज जीन पूल हैज एक्सटेंसिव जेनेटिक डाइवर्सिटी, थोड़ा ढंग से पढ़ना है इसको। मोर
More genetic diversity within a species leads to lesser variability and adaptability of individuals to the species. Meghna, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया. अब्दुल, आपका आंसर गलत है बेटा, ये नहीं होगा. मैंने इसीलिए कहा फिर से कि अच्छे से पढ़ो पहले स्टेटमेंट को. क्या है पहला स्टेटमेंट? पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? मोर जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन अ स्पीशी लीड्स टू लेसर वेरिएबिलिटी. लेसर, अगर ये यहाँ पर ग्रेटर होता ना तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता. ग्रेटर वेरिएबिलिटी एंड ग्रेटर अडेप्टेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, उस एनवायरमेंट चेंज को. ये लेसर नहीं है भैया. जेनेटिक वेरिएशन क्यों होंगे? एनवायरमेंट को हम अडेप्ट कर सके, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है. जब ये गलत हो गया तो अब ये देख लेते हैं. अ लार्ज जीन पूल हैज एक्सटेंसिव जेनेटिक वैरायटी. बिल्कुल, ज्यादा जितना बड़ा जीन पूल होगा उतनी ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी. सो बी इज द राइट आंसर. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. गॉट इट? लेसर, यस बेटा, लेसर वेरिएबिलिटी लीड्स टू लेसर वेरिएबिलिटी. हाँ, वहां मोर होगा बेटा, लेसर की जगह मोर होगा. बिल्कुल सही स्टोन कोल्ड. 12th क्वेश्चन. वेरी गुड स्टोन, वेरी गुड. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी ऑफ स्पीशीज ऑफ अ बायोलॉजिकल कम्युनिटीज ऑफ अ गिवन इकोसिस्टम. ग्रेटर द स्पीशीज डाइवर्सिटी लेसर द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिबिलिटी ऑफ द फूड चेन एंड फूड वेब. विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? There are correct. Very good, Santosh. सबसे पहले आपने आंसर दिया और सही आंसर दिया. This is the correct answer. A is the right option. Yes, A right है. शिवेक, गरिमा, काजल, रायन, सब सही हो आप लोग. ए इज द राइट आंसर. भैया क्वेश्चन में ही देख लो, स्पीशीज डाइवर्सिटी लेसर इन लेंथ होगा और कॉम्प्लेक्सिबिलिटी होगी फूड चेन में. ऐसा हो ही नहीं सकता. इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, उतना कॉम्प्लेक्स फूड चेन, उतना कॉम्प्लेक्स फूड वेब बनेगा. ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है. वेराइटी ऑफ स्पीशीज इन अ गिवन इकोसिस्टम. नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट 13th क्वेश्चन. बेटा इसीलिए बोला था क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो. ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बेटा, क्वेश्चन को रीड करना, क्योंकि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ही जो है ना उसी क्वेश्चन में छुपा होता है. ठीक है, छुपा होता है. यस, इट विल बी मोर कॉम्प्लेक्स स्टोन. बिल्कुल सही बोला आपने. नाउ द 13th क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. बायोडाइवर्सिटी इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अर्थ. इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज डिटरमाइंड बाय द डाइवर्सिटी ऑफ बायोफिजिकल प्रोसेसेस. कोई बात नहीं बेटा, कोई 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 बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं तन्मय, कोई दिक्कत नहीं. शाबाश, वेरी गुड संतोष. संतोष, सिमरन, स्टोन कोल्ड, शिवेक, बहुत सही, वेरी गुड यार, सही जा रहे हो बेटा. ओनली 2 इज द राइट आंसर. यानी कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ये गलत है. ठीक है, यस, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी डिटरमाइंड बाय द डाइवर्सिटी ऑफ बायोफिजिकल प्रोसेसेस. इट इज डिटरमाइंड बाय द बायोफिजिकल प्रोसेस. नेक्स्ट देखते हैं, 14th क्वेश्चन है ये. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पीयूष. हाँ यस बेटा, मैं डॉक्टर को तो दिखा के आ गया हूँ, मेडिसिन ली है मैंने, इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ड्राउजीनेस सा फील हो रहा है. ठीक है, हम लोग ये सेशन कंप्लीट करते हैं, बस ये लास्ट क्वेश्चन है. ठीक है, देन वी विल मीट टुमारो. ठीक है, विद अ न्यू टॉपिक, विद अ न्यू जील, विद अ न्यू एंथुजियाज्म. यस, आपका भी सही है बेटा, बिल्कुल, आपने बी राइट आंसर दिया उसका. दैट वॉज करेक्ट.
Now the 14th question, which of the following criteria a region must meet to qualify as hotspot? Very good. यहाँ पे दो वर्ड हैं बस। हाँ मेघना 14th का ए ना बेटा, गुरसिमरन मेघना 14th का ए नहीं होगा बेटा, ना 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 ना, खुशबू नहीं बेटा, नहीं है। पढ़ो रायन, ढंग से पढ़ो पहले। नहीं है, जस्ट रीड द क्वेश्चन बेटा। इसका आंसर सी है। यस, इसका आंसर सी है, क्योंकि यहां पर वर्ड लिखा है ऑलमोस्ट और यहां लिखा है एटलीस्ट। हमको चाहिए एटलीस्ट, ऑलमोस्ट नहीं चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। जब ये स्टेटमेंट गलत हो गया तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, नन ऑफ द अबव तो ऑब्वियसली चला गया, बचा क्या सी। ये राइट आंसर, हमको ये दो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। बस हमको ये एटलीस्ट और ऑलमोस्ट 1500 ये याद रखना है, ठीक है। इट शुड कंटेन, यहां पे क्या लिखा, इट शुड हैव लॉस्ट, ठीक है। इट शुड कंटेन, वहां लिखा था इट शुड हैव कंटेन 30%, और यहां पे क्या लिखा है बेटा, इट शुड हैव लॉस्ट। एक ही चीज हुई ना। यस, एटलीस्ट ना, ऑलमोस्ट एंड एटलीस्ट देखना था बस बेटा। यस ठीक है, मैं अच्छा हूँ। आयुष आप कैसे हो? आई एम फाइन। ना ये ठीक बेटा, ये चीज तो इसीलिए, इसीलिए हमेशा ये हमारा प्रैक्टिस सेशन इसीलिए होता है बेटा, कि हम क्वेश्चन को अच्छे से एक बार रीड करें, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। यहाँ गलतियां करोगे मैं सुधारने के लिए बैठा हूं, बस पेपर में गलती मत करना। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम, ठीक है। आपका एग्जाम इंपॉर्टेंट है, ओके। तब यहाँ पर अपना सेशन हम लोग एंड करते हैं। कल हम फिर से 9 PM पर मिलेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे फर्दर। कल हम लोग डील करेंगे इन IUCN रेड डेटा बुक, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ वल्नरेबल स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज इंडिया में, वर्ल्ड में, ठीक है, ये चीज। तो फ्रेंड्स, और दूसरा एक और बेटा, लर्निंग ऐप पर अभी हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया है, आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी शुरू हुआ है, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजियोग्राफी, ठीक है। लर्निंग ज्योग्राफी में फिजिकल फीचर्स t.me/upscamitmodi, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। प्लस साथ ही साथ में अगर ये नहीं मिलता है तो अनअकैडमी यूपीएससी सीएसई इसके नाम से ये चैनल बना हुआ है, ठीक है। तो आप ये ले सकते हो। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू लर्नर्स, थैंक यू, ठीक है, ये चीज। नाउ अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, शेयर एंड लाइक एज मच एज यू कैन। सब्सक्रिप्शंस के लिए यूज माय कोड, यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। यूज माय कोड अमित मोदी, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर मिलेगा। और कोई भी क्वेरी हो सब्सक्रिप्शन रिलेटेड, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज ऑन मी ऑन माय टेलीग्राम 9479812018, ये मेरा टेलीग्राम का नंबर है, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज टू मी ओवर देयर, ठीक है, ये चीज। ओके, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।